विराट नगर क्षत्रिय समाज ग्वालियर द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध समाज सेवी किराट क्षत्रिय लोकन्यास अध्यक्ष गजराज सिंह ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मान सिंह राजपूत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बलराम जी की तस्वीर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात आयोजन समिति द्वारा पुष्प वर्षा कर मंच पर आसीन अतिथि और उपस्थित समाज बंधुओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में एक दर्जन से अधिक समाज बंधुओं ने संबोधित करते हुए सभी को होली की मिलन की शुभकामनाएं दी और उम्मीद की कि समाज को बढ़ाने, एकता के सूत्र में लाने तथा कुरीतियों को मिटाने के साथ शिक्षा का विस्तार कैसे समाज में, इस पर जोर दिया। होली मिलन समारोह का सफल संचालन गौरी संगल धाकड़ ने किया। आभार व्यक्त युवा नेता जितेंद्र मनोज राजपूत, पत्रकार सुनील राजपूत ने किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अर्जुन सिंह राजपूत, डॉक्टर मान सिंह राजपूत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष संजय यादव, जसवंत किराल चिराई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र राजपूत आदि उपस्थित रहे। कोरोना काल के बाद पहला ये समाज का होली मिलन समारोह है। हम संदेश क्या, हम तो सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे किसी पार्टी के हो, समाज में समाज के नाते सभी का हक बनता है। सभी का एक सोच है कि समाज तरक्की करे, अच्छे अच्छे पदों पर जाए और पढ़ाई लिखाई की जो बात हमारे समाज में उसमें बढ़ोतरी हो और समाज के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा किस तरह से की जाए, ये हमारा सोच। समाज कहाँ पे पीछे रह गया है, आपको ऐसा कहाँ लगता है कि समाज कहाँ पर पीछे है, अभी किस मामले में भी आपका समाज पीछे है, जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ आवाज़ उठाने की जरूरत है, जिसके लिए कुछ काम करने की जरूरत है, समाज के युवाओं को आगे आने की जरूरत है? हमारा समाज कुछ हद तक तो अभी आगे चल रहा है, लेकिन शिक्षा के दृष्टि से हम अभी पूर्णता से आगे नहीं। तो अभी ऐसा कि मुख्यमंत्री आपके समाज के ही हैं, उनसे आपसे कोई, मेरा ये सोच है राजनीतिक में तो बहुत आगे, देखिए आप चाहे किसी पार्टी में लोग कहीं ना कहीं सभी लोग हैं और हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनके रहते हुए हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो क्या समाज नहीं चाहता वो आगे बढ़े? देखिए मैंने क्या बोला आपसे कि जो अपनी अपनी पार्टी में है वो अपनी अपनी तरक्की करें, बीजेपी वाले बीजेपी में तरक्की कर रहे हैं, कांग्रेस के, बीएसपी के, समाजवादी के, जहाँ जो है जहाँ जिसमें जगह मिली अपना अपना काम करें। तो समाज किसके साथ है सर, बीजेपी? समाज देखिए, समाज एक तरफ किसी के साथ नहीं रहता, समाज को नेता अपनी अपनी पार्टी में रहेंगे, लेकिन समाज को जो अच्छा लगे उसके साथ रहेंगे, समाज को कुछ ताकत मिले। देखिए पूरे विश्व की मैं बात करूँ, पूरे विश्व में अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो युवा कहा जाता है, और जिस देश में, जिस समाज में, जिस राज्य में अगर युवाओं की हकदारी नहीं है तो वो समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो मैं निश्चित रूप में आपसे कहना चाहूँगा कि युवा हर समाज की रीढ़ की हड्डी है, तो युवाओं को आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। अच्छा, समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे के साथ में चलती हैं ऐसा हमने देखा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनीति को समाज से, जातिवाद से थोड़ा सा दूर हटके सर्व कल्याण के लिए काम करना चाहिए, सभी को साथ लेकर के काम करना चाहिए? हर समाज के अलग अलग परंपरा है, अलग अलग सिद्धांत है, और जहाँ तक राजनीति की बात है तो निश्चित रूप में राजनीति के बगैर समाज नहीं हो सकता और समाज के बगैर राजनीति नहीं हो सकता। या सरकार की कुछ नीतियों का विरोध करने के लिए कुछ भी ऐसी बातें आपसे बोलते हैं क्या? देखिए निश्चित रूप में जिस दल में, जिस पार्टी में आप काम करेंगे और जिस विपक्ष की बात करेंगे या पक्ष की बात करेंगे, तो निश्चित रूप में अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में सुनना ही पड़ेगी हमें जनता की, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे रोजगार की बात करें हम, चाहे जनता जनार्दन के हक और अधिकार की बात करें, गरीबी की बात करें, नौजवानों के हक की बात करें, किसानों के हक की बात करें, कहीं ना कहीं अच्छी और बुरी दोनों बातें सुनने की। मैंने पिक्चर तो नहीं देखी पर पिक्चर के कुछ पहलू मैंने फेसबुक के और सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से मैंने सुने और पढ़े, मुझे लगता है जितना मैंने फैक्ट उसमें पढ़ा कहीं ना कहीं 50% उसमें गलत तरीके से दिखाया गया है, इसका मैं पूरी तरीके से बात करता हूँ। समाज का होली मिलन समारोह समरसता का संदेश को लेके आए कि हम अपनी बुराइयां दूर करके एक होली के त्यौहार पर सभी लोग एक होके, चाहे वो समाज में अच्छाई के लिए काम करें और अपने पूरे राजनीतिक कैरियर के लिए जो यहां से युवा निकलेंगे वो भविष्य में नेता बनेंगे, ऐसा एक संदेश देने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है जो पूरे समाज को जोड़ने का काम करेगा। सामाजिक कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या कम दिख रही है, अब महिलाओं पर मौजूद हमारी महिलाएं आना नहीं चाह रही है।
लेकिन महिलाओं को बुलाया नहीं था, बुलाया नहीं था आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।